ने वाहन चोर गैंग का खुलासा किया व 13 बाइकें बरामद की हैं। फरुखाबाद में पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एवं अपर पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ व क्षेत्राधिकारी कायमगंज के कुशल निर्देशन में थाना शमशाबाद पुलिस व एसओजी टीम द्वारा थाना शमशाबाद क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से वाहन चोरी की घटनाओं से संबंधित अभियुक्त एक राजेंद्र यादव पुत्र रक्षपाल सिंह निवासी मोहन नगर थाना पटियाली जनपद कासगंज, सुशील दीक्षित पुत्र अश्विनी कुमार निवासी ग्राम मल्यान थाना राजा का रामपुर जनपद एटा, जगदीश उर्फ गवदे पुत्र राम बिहारी निवासी ग्राम बवना गड़िया थाना नवाबगंज जनपद फरुखाबाद को मैं चोरी की 13 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है तथा अभियुक्त दिलवर यादव पुत्र कुंवरपाल सिंह निवासी ग्राम मोहन नगर थाना पटियाली जनपद कासगंज मौके से भाग गया, जिसमें अभियुक्त रूपेंद्र यादव पुत्र राजपाल यादव के कब्जे से एक अदद तमंचा, 315 बोर एक जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद हुआ, जिसके संबंध में थाना शमशाबाद में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त गणों को जेल भेज दिया गया। राहुल गुप्ता, फरुखाबाद, समाचार 24। ये सीओ कायमगंज के नेतृत्व में और एसओजी टीम और शमशाबाद थाना की टीम के द्वारा एक कम्बाइंड गुडवर्क किया गया है, जिसके अंतर्गत 13 चोरी की मोटरसाइकिलें जो कि अलग अलग थानों से चोरी की गई थी वो बरामद की गई है और इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और एक अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा है। ये एक अंतरजनपदीय गैंग है जो लगातार जो मोटरसाइकिलें हैं उनकी चोरी करता था और साथ ही साथ इसके अंदर जो मेन अभियुक्त है अभियुक्त दिलवर यादव जो कि आपके पटियाली काजन का रहने वाला है वो फरार है, उसको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अन्य 3 अभियुक्त आपके रापेंद्र, सुशील और जगदीश हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी है, पहले भी ये मोटरसाइकिल चोरी में जेल जा चुके हैं और सभी को वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। लेकिन सर पेश तो 2 ही किए गए, एक तीसरा होगा नाबालिग है वो उस गाड़ी में है। हाँ, तीसरा नाबालिग है, तीसरा व्यक्ति, तीसरा जो अभियुक्त है इसके अंदर वो नाबालिग है, इसलिए उसको सामने नहीं लाया गया है और उसके जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। सर किस तरीके से ये चोरी को अंजाम देते हैं, कहाँ से कहाँ ले जाकर बेचते हैं, क्या कीमत रहती है इसकी? अभी तक जो इंट्रोगेशन में सामने आया है कि ये यहाँ से चोरी करते हैं और इनका जो मेन अभियुक्त दिलवर यादव है वो भी इनके साथ ही रहता है और वो कासगंज और अन्य क्षेत्रों में ये मोटरसाइकिल ले जाता है और इसके बारे में जो फर्दर डिटेल है वो तभी मिल पाएगी जब दिलवर को पकड़ा जाएगा और उसके लिए टीम लगा दी गई है, जल्दी दिलवर को भी अरेस्ट किया जाएगा और साथ ही साथ इनका जो फर्दर नेटवर्क है जिसमें अन्य लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कहीं कबाड़ी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी की जाएगी और उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। क्या आरटीओ विभाग भी इसमें शामिल हो सकता है? नहीं, ऐसी कोई जानकारी। ये जो 13 मोटरसाइकिल मिली है ये अपने ही जनपद से चुराई गई कि अन्य जनपदों से भी?